सुल्तानपुर गांव में सलीम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। सलीम गांव के बाहर एक छोटे से गैराज में काम करता था। अरे सलीम, वो जीप ठीक हो गई क्या? जी सेठ जी, बस एक घंटे का टाइम दीजिए। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तभी सलीम का दोस्त सोनू उससे मिलने आता है। अरे सोनू, तुम कैसे हो? क्या बात है, उदास लग रहे हो। हाँ सलीम भाई, क्या कहूँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरी बहन रीमा की शादी है, बस उसी के लिए पैसों के इंतजाम में लगा हूँ। अरे सोनू, तुम फिक्र मत करो, रीमा हमारी भी तो बहन है। बताओ कितने पैसे चाहिए? यार सलीम, अगर 2 लाख रुपए मिल जाते तो बात बन जाती। 2 लाख? इतने तो सेठ जी भी नहीं देंगे। तभी विकास वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है। विकास बहुत ही पैसे वाले माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसे तेज गाड़ी चलाना और शर्त लगाना बहुत पसंद था। विकास की गाड़ी देखकर सोनू कहता है, अरे वाह सलीम, इतनी अच्छी गाड़ी। उसकी बात विकास सुन लेता है। हाँ हाँ, बड़ी गाड़ी तो है, लेकिन इसे हाथ मत लगाना, तुम जैसे लोग गाड़ियों को खराब कर देते हो। यह सुनकर सलीम कहता है, अरे विकास भाई गुस्से ना होइए। नहीं सलीम, कोई बात क्यों नहीं, गाड़ी में बैठा होगा कभी, यह कार की बात करता है। विकास की यह बात सुनकर सलीम के मन में एक विचार आता है। ऐसी बात नहीं है विकास भाई, इसके पास भी एक कार है, एक अनोखी कार, जैसी आपके पास भी नहीं होगी। क्या कह रहे हो तुम सलीम, मेरे पास नहीं होगी? अच्छा ठीक है, लगी शर्त, 4 दिन बाद मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम इसे इसकी खास कार में लेकर आओगे, और अगर वैसी कार कहीं नहीं हुई तो मैं तुम्हें शर्त के 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है विकास भाई, हमें मंजूर है। अरे सलीम, तूने एक कैसी शर्त लगा ली, कार कहाँ से लाएंगे? अरे सोनू, शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया, बाकी तुम मेरे पर छोड़ दे। सलीम गैराज के कोने में पड़े एक पुराने स्कूटर और एक कार के बारे में श्यामलाल से बात करता है। सेठ जी, मुझे वो पुराना स्कूटर और कार दे दीजिए, आप भी देखिए मैं उसका क्या बनाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ले लो। सलीम खाली समय में अपने काम में लग जाता है। वह बाइक और कार को आधा आधा काट लेता है और उन्हें बीच में से वेल्डिंग करके जोड़ देता है और 2-3 दिन की मेहनत करके उसको एक बाइक कार में बदल देता है। वह दिखने में एक अनोखी कार थी जो वाकई में किसी के पास नहीं थी। 4 दिन बाद शर्त का दिन आ जाता है। वह दोनों उस बाइक कार में बैठकर विकास के घर जाते हैं। उनकी अनोखी कार देखकर वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विकास भाई, ऐसी कार तो नहीं होगी ना तुम्हारे पास? क्या मजाक है ये, यह कोई कार है? विकास भाई, तुम ऐसा नहीं कह सकते, कार तो है ही ये। विकास सलीम को पैसे देने से मना कर देता है। आवाज सुनकर विकास के पिता बाहर आते हैं। सलीम की अनोखी कार देखकर विकास के पिता खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी कार बनाई है। विकास, अगर तुमने शर्त लगाई है तो इनके पैसे दो। विकास चुपचाप सलीम को 2 लाख रुपए दे देता है। यह लो सोनू, हमारी बहन रीमा की शादी के पैसे। धन्यवाद सलीम। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इस बाइक कार को कहो, जिसकी वजह से रीमा की शादी के पैसों का इंतजाम हो पाया है। रामू नगर निगम में कूड़े का डंप ट्रक चलाता था। वह स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। वह गली गली जाकर घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके कूड़े के डंपिंग यार्ड में फेंक देता था। राजू नाम का एक लड़का उसके इस काम में उसकी सहायता के लिए उसके डंप ट्रक में उसके साथ रहता था। क्या उस्ताद, क्या काम है हमारा, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करो, कई बार तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे राजू, ऐसा नहीं सोचते, तुम तो देश को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। अरे वह कैसे भला उस्ताद? राजू देखो, अगर हम गली गली से कूड़ा नहीं उठाएंगे तो लोग ऐसे ही कूड़ा बाहर फेंक देंगे, उस कूड़े पर बैठने वाली मक्खियाँ घर घर जाकर बीमारियाँ फैलाएंगी और उससे निकलने वाली बदबू से हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रामू और राजू की सभी लोग तारीफ करते थे, क्योंकि वह बड़ी ईमानदारी से जहाँ भी जाते वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करते और इलाके की सफाई करते। अरे राजू बेटा, ये कूड़े की बाल्टी जरा अपने ट्रक में तो डाल दे। जी मैडम, अभी डाल देता हूँ। अमर सिंह नगर निगम में नया नया ऑफिसर नियुक्त हुआ था।
वो बहुत ही घमंडी और बदतमीज किस्म का ऑफिसर था। एक दिन रामू अपना ट्रक लेकर किसी काम से निगम की वर्कशॉप के ऑफिस आता है। तभी अमर सिंह अपनी कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। अरे यहाँ ये ट्रक किसने खड़ा किया है? रामू भागा भागा आता है। साहब ये मेरा ट्रक है, इसमें से कूड़ा बाहर गिरता है, मैं इसे यहाँ ठीक करवाने आया हूँ। अरे ये कोई जगह है ट्रक खड़ा करने की? हटाओ इसे यहाँ से। साहब मैंने तो ट्रक पार्किंग में ही खड़ा किया है, अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं इसे अभी हटा देता हूँ। रामू की यह बात सुनकर अमर सिंह को गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, एक मामूली ड्राइवर होकर मुझसे जमा लड़ाता है, भाग यहाँ से। रामू अपना डंप ट्रक वहीं खड़ा करके वहां से चला जाता है। बिना किसी बात के रामू को थप्पड़ मारने के कारण सभी निगम के डंप ट्रक वाले अपना ट्रक चलाना बंद कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। कूड़ा न उठाने के कारण गलियों में, सड़कों पर और पूरे शहर में कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैलने लगती है। इस बात का पता जब वहां के उच्च अधिकारियों को लगता है तो वह अमर सिंह का तबादला कहीं और कर देते हैं और रामू से आकर माफी मांगते हैं। रामू, अमर सिंह की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब कोई भी अधिकारी किसी सफाई कर्मचारी या डंप ट्रक ड्राइवर से बुरा व्यवहार नहीं करेगा। रामू के कहने पर सभी डंप ट्रक वाले हड़ताल खत्म कर देते हैं और फिर से इलाके की सफाई में लग जाते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका फिर से साफ और सुंदर दिखने लगता है। ऑटो हाउस। विजय नाम का युवक गांव से शहर काम करने के लिए आया। थोड़े ही दिनों में उसने ऑटो रिक्शा चलाना सीख लिया और उसे चलाकर अपना गुजर बसर करने लगा। कुछ पहचान वालों की मदद से उसने एक खोली भी किराए पर ले ली। एक दिन विजय का पड़ोसी विजय से पूछता है, और भी विजय क्या हालचाल है, कुछ कमाई वमाई हो भी रही है या नहीं? हाँ भैया सब ठीक ठाक है, बस गुजर बसर हो रहा है किसी तरह। जो भी कमाता हूँ उसमें से आधा तो खाने पीने में और खोली के किराए में निकल जाता है। हाँ भाई विजय, ये तो तुमने ठीक कहा, मैं भी ये खोली खाली करने वाला हूँ क्योंकि मकान मालिक ने किराया दोगुना कर दिया है। अच्छा भैया ऐसी बात है, क्या पता मुझे भी जल्द ही खोली खाली करनी पड़ेगी, मैं बढ़ा हुआ किराया कहाँ से दूंगा। थोड़े ही दिनों बाद मकान मालिक ने विजय को किराया बढ़ाने के लिए बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते तो मेरी खोली खाली कर दो। अगले दिन विजय ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। वहां उसके ऑटो वाले दोस्त शंभू ने पूछा, अरे क्या बात है विजय, क्यों इतना परेशान है? बड़ा उदास लग रहा है आज। हाँ शंभू, आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मुझे चिंता खाई जा रही है। अरे क्या हो गया? क्या कहूँ, खोली मालिक ने खोली का किराया बढ़ा दिया, पहले वो 3,000 लेता था, अब सीधा उसने 6,000 कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से दूंगा 6,000 किराया। तो तुमने क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है शंभू, मुझे तो कल ही खोली खाली करनी पड़ेगी। विजय की बात सुनकर शंभू कुछ सोचकर उससे कहता है, अरे विजय बुरा ना मानो तो एक काम कर लो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर असलम मियाँ का गैराज है, वह रोज के 50 रुपए लेते हैं रात को ऑटो खड़े करने का, और वहाँ पर नहाने धोने का भी इंतजाम है, तुम तो अकेले हो, सोचो इस बारे में। लेकिन शंभू मैं रात को सोऊंगा कहाँ। अरे यार विजय तुम भी कैसी बात करते हो, अपने ऑटो में ही सो लेना, अकेले तो तुम हो, तुम्हारे पास कौन सा इतना सामान है या तुमने कौन सा रोज खाना बनाना है, वहीं पे नहा धो लेना, होटल में खाना खा लेना और ऑटो में सो जाना। विजय को शंभू की बात समझ में आ जाती है और वह असलम मियाँ के पास जाता है। असलम मियाँ भी विजय की हालत देखकर उसे हाँ कर देते हैं। इस तरह से विजय की ना सिर्फ रहने की समस्या दूर हो जाती है बल्कि उसे पैसों की भी अच्छी बचत हो जाती है, और ऑटो में सोने की वजह से जब तक उसे नींद नहीं आती वो ऑटो भी चलाने लगता है, इससे उसका काम भी बढ़ जाता है। सतपुर गांव में एक लड़का चमन रहता था, उसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी, वह जल विभाग में पानी के टैंकर का ड्राइवर था। एक दिन चमन के ऑफिसर ने चमन से कहा,
चमन, ये टैंकर लेकर तुम्हें सतपुर गांव हर रोज जाना है। वहाँ पानी की बहुत समस्या है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो साहब, मैं पानी संभाल कर ले जाऊंगा। चमन के गांव में पहुंचते ही गांव वाले खुश हो जाते हैं और एक एक कर पानी भरने लगते हैं। अरे चलो भाई चलो, अच्छा हुआ भगवान ने हमारी सुन ली, पानी का टैंकर आया है। कितने दिन हो गए पानी देखे बिना। हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कहते हो, पानी के बिना जीना तो कितना मुश्किल है। यहाँ ना तो कुएं में पानी है ना नल में, हमें बस इस टैंकर का ही सहारा है। अब चमन के रोज गांव में आने से गांव वालों को कुछ राहत मिली। एक दिन गांव के सरपंच ने चमन को रास्ते में ही रोक लिया। अरे भाई चमन कैसे हो? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो, पानी की किल्लत और फिर ये उम्र। इतनी दूर जहां तुम टैंकर लगाते हो वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे तुम रोज मेरे घर के सामने से गुजरते हो, 5 मिनट यहीं टैंकर रोक दिया करो, मैं सारा पानी भर लिया करूँगा। मैं इसके बदले तुम्हें पैसे भी दूंगा। चमन के मन में लालच आ जाता है। अच्छा तो ठीक है सरपंच जी, आप मुझे 500 रुपए दे दिया कीजिए, और हाँ मैं रोज नहीं एक दिन छोड़कर आपके पास टैंकर खाली कर दिया करूंगा। और अब चमन ऐसा ही करने लगा, और गांव में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी आता था, जो कि गांव वालों के लिए पूरा नहीं पड़ता था। गांव वाले टैंकर के आने से पहले ही वहां लाइन लगाने के लिए झगड़ने लगे। अरे उठा यहां से अपना मटका, पहले मैं आया था। अरे अरे हटा अपनी बाल्टी, पहले मैं आया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अगले दिन सभी गांव वाले सरपंच के पास पहुंचे, और तभी चमन टैंकर लेकर वहां आ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ओ सरपंच जी, जल्दी से पैसे लाओ, टैंकर खाली करो, इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन टैंकर से उतरते ही उसने देखा कि सभी गांव वाले वहीं खड़े थे। अच्छा तो ये बात है, हमें रोज पानी क्यों नहीं मिल रहा? हाँ हाँ अब समझ में आया, ये सरपंच को पानी बेच रहा है, मारो इसको। चमन किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सभी गांव वाले मिलकर चमन की शिकायत उसके ऑफिसर से करते हैं। चमन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक ईमानदार ड्राइवर को गांव में पानी की सप्लाई करने की ड्यूटी दे दी जाती है। प्लीज सब्सक्राइब।